नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों को पुनः से एक अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ। आइए, अपने कैमरामैन से निवेदन करूँगा, ये थोड़ा यहाँ से आप दिखा दीजिए, ये जो चींटियाँ हैं ये अपना भोजन ले जा रही हैं, ये यहाँ से आई हैं और एक दल यहाँ पर ये अपना भोजन नहीं, अंडे, ये बच्चे ले जा रहे हैं। ये चावल जो हमने चावल है उन्हें बच्चे सनून अंडे सनूनारा बच्चे अपने बच्चों को ले जा रहे हैं। बच्चों को ये यहाँ से अंडे हैं और इसके अंदर ये ले जा रहे हैं। ये अभी दूसरी जगह कहीं इनका, ये देखिए ये भी अंडे हैं। मैं थोड़ा आँख कम देखता हूँ तो कैमरामैन मेरे को बता रहे हैं कि ये अंडे हैं। ये मेरे को चावल के, पके हुए चावल के जैसे लग रहे थे। और ये जो अंडे अपने यहाँ से ले जा रहे हैं, ये पहाड़ों में तो बहुत सुलभ है पर शहरी क्षेत्रों में इधर जो बच्चे इसकी तलाश में जाते हैं, आइए इधर को लाइए। ये कि चींटियाँ कैसे आकर्षित होती हैं, ऐसा कोई समग्र शिक्षा नीति के तहत आ भी जाता है कभी, हमने देखा भी कक्षा 4 की अंग्रेज़ी में जो मेरी गोल्ड है उसमें भी ऐसा आता है कि चींटियों के बिहेवियर के बारे में, तो थोड़ा सा मीठा रखिए। चींटियाँ कितनी देर में आती हैं और चींटियाँ कैसे चलती हैं, रास्ते में कुछ चीज़ आती है तो उसको ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतरती हैं, ये सब ये यहाँ तो सुलभ है पहाड़ों में, हो सकता है आपके किसी काम आए। धन्यवाद के साथ आप तो पुनः नमस्कार करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।